जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे की तरफ देखिए दोस्तों, हमारे पास आज फ्रेम में खड़ी है टाटा नेक्सॉन और ईवी है दोस्तों। अगर वेरिएंट की बात करें तो ये है दोस्तों हमारे पीछे फियरलेस प्लस वेरिएंट, ठीक है, और लॉन्ग रेंज के साथ में। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि इस वेरिएंट में आपको क्या क्या ऑफर करती है कंपनी, कितने का ये वेरिएंट पड़ने वाला है एक शोरूम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब चलिए वीडियो कर देते हैं शुरू। तो दोस्तों सामने है टाटा नेक्सॉन ईवी फियरलेस प्लस वेरिएंट और लॉन्ग रेंज के साथ में। अगर एक्सोरूम कीमत की बात करें तो 18,70,000 रुपए की आपको एक्सोरूम कॉस्ट करती है। और अगर बैटरी वगैरह की बात करें, जैसे कि बैटरी पावर की बात करें, तो यहां पर आपको जो है ना 40 किलोवाट की बैटरी पैक आपको देखने के लिए मिलती है। अगर रेंज की बात करें तो 465 किलोमीटर की ARI रेंज कंपनी क्लेम करती है। अगर 0 to 100 आपको 8.9 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 पकड़ लेती है। और अगर इसकी फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो 0 to 80% जो है 56 मिनट या ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। और अगर फुल चार्ज की बात करें, अगर आप घर पर चार्ज कर रहे हैं, CCS टाइप 2 चार्जर आपको देखने के लिए मिलता है इसमें, और घर पर चार्ज कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10 घंटे 50 मिनट या 11 घंटे मान सकते हैं, 0 to 100 होने में 11 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अगर पावर की बात करें तो 142.68 BHP की पावर और 215 न्यूटन मीटर का भारी भरकम टॉर्क देखने के लिए मिलता है। तो अब चलो फ्रंट से शुरू करते हैं कि टॉप एंड में तो हमें पता है, हमने वीडियो भी प्रोवाइड करा दी आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे फ्रंट में देख लेते हैं कि क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो दोस्तों, फ्रंट में देखो सबसे पहले इसकी जो सामने की जो लाइटिंग है ना, वो आपको एकदम से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलते हैं, साथ में DRL देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर DRL का भी काम करेगा और सीक्वेंशियल इंडिकेटर का भी। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लाइट है ना, जब गाड़ी चार्जिंग पे लगी होगी ना, तो यहाँ से ये जो लाइट है ये भी ब्लिंक करेगी और साथ में चार्जिंग परसेंटेज भी आपको इंडिकेट करेगी। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर कितनी भयंकर रोशनी आपको देखने के लिए मिले, प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाती है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पर फॉग लाइट देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। फ्रंट में बात करें तो यहाँ पर अब पार्किंग सेंसर हटा दिया है, इस वेरिएंट में हटा दिया है, टॉप एंड वेरिएंट में आता है। यहाँ पर टाटा का लोगो तो मिल ही जाता है, ग्रिल वगैरह देख लीजिए कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। और जो सामने 360 कैमरा होता था वो भी इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो टायर साइज है वो आपको जो है 215/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का एरो इंसर्ट एलॉय व्हील मिलने वाला है, ठीक है, एरो इंसर्ट एलॉय व्हील बोला है इसको। मुझे पर्सनली ये जो डिजाइन है ना, लुक व्हील का, एलॉय व्हील का, ये पसंद नहीं आया, लेकिन चलिए अच्छा है, कुछ नया निकाला है तो कंपनी ने। अंदर फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और पीछे रियर में जो बात करें तो वहां पर ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आपको .EV लिखा हुआ दिख जाएगा। ORBM की बात करूं तो यहां पर आपको हैरियर और सफारी वाले ORBM मिलते हैं, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलता है, डोर रुख सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। टाटा का 25 साल में 50 लाख कार बेचने वाला बैज भी देखने के लिए मिल जाता है, तो कुछ ऐसा मिलने वाला है। उसके बाद देखिए यहां पर ये जो ब्लैक पट्टी है ना, ये पहले ईवी में ब्लू मिलती थी, लेकिन अब ब्लैक मिल रही है, और पेट्रोल में भी अब ये सेम ही मिलती है। ऊपर अगर रूफ रेल की बात करें तो यहां पर आपको सिल्वर फिनिश के साथ रूफ रेल और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। इस वेरिएंट में डिफॉगर भी मिलेगा आपको, और रियर वाइपर भी मिलता है अंदर की तरफ, और साथ में वॉशर देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको कनेक्टेड टेल लैंप देखने के लिए मिलती है, और टेल लैंप के अंदर भी इंडिकेटर जो है सीक्वेंशियल ही मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। यहां पर टाटा का लोगो, और यहां पर आप हाई माउंट स्टॉप लैंप जो होती थी ना, अब टाटा के लोगो के ऊपर छोटी सी दी है दोस्तों, ये थोड़ी सी मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद देखें तो यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेक्सॉन .EV की ब्रांडिंग मिल जाती है, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं पीछे, रिफ्लेक्टर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये है इसका रियर लुक। और इस तरफ बात करें तो सेम टू सेम आपको मिलने वाला है। यहां पर बात करें तो यहां पर आपको चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर की तरफ, के अंदर की तरफ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखो डोर रुक सेंसिंग। अब मैं चाबी दिखाता हूं आपको, चाबी कैसे मिलने वाली है। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है जो पुरानी डिजाइन की आती थी, लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के लिए, और हेडलाइट के लिए आपको यहाँ पर बटन देखने के लिए मिलते हैं, पीछे टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। डोर पर बात करें तो चारों पावर विंडो, पीछे की विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए, डोर हैंडल्स क्रोम में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखें तो आपको एक अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, एक स्पीकर यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर सीटिंग की बात करें तो सीटिंग आपको वही मिलने वाली है, बस फैब्रिक कुशनिंग मिलेगी, लेदर हट जाता है इस वाले वेरिएंट से। और हेडरेस्ट की बात करें तो चारों ही हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। अब अंदर की तरफ बैठकर बात करते हैं और क्या क्या मिलेगा आपको अंदर की तरफ, क्या क्या ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ इस तरीके से फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेंज शो हो रही है, यहाँ पर स्पीडोमीटर शो हो रहा है, बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है, और यहाँ पर आपको ओडोमीटर वगैरह शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर यहाँ पर सीट बेल्ट आपके लिए शो हो रहा है, सीट बेल्ट का इंडिकेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फुली डिजिटल मिल जाता है।
और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड लोगो दिखने वाला है, साथ में स्टीयरिंग पे आपको पैडल शिफ्टर भी देखने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ इस वेरिएंट में जो है क्रूज कंट्रोल नहीं प्रोवाइड कराती है कंपनी, और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर मिलता है, एसी वेंट कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। टच स्क्रीन का साइज अब यहाँ पर छोटा हो चुका है, इस वेरिएंट में टॉप एंड वेरिएंट में 12.5 इंच आता है, और इस वेरिएंट में आपको 10.25 इंच का देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो टच पैनल मिलने वाला है सभी एसी कंट्रोल्स के लिए और बाकी के हेजार्ड लाइट वगैरह के लिए, और बूट ओपन करने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए कुछ इस तरीके से, और फिजिकली बटन मिलेंगे टेम्परेचर और फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ई शिफ्टर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर देखें अंदर की तरफ तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक टाइप ए पोर्ट और 45 वोल्ट का एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो है सिटी, इको और स्पोर्ट मोड के लिए डायल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर दो कप होल्डर देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी एक आपको एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर इधर बात करें डैशबोर्ड पे तो यहाँ पर 3-टोन डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टच जो है या लुक जो है कार्बन फाइबर का देखने के लिए मिलता है, बाकी यहाँ पर रफ आपको स्क्रैच प्रूफ देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर ब्लैक कलर में लेदर स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाती है। हाँ, ब्लैक कलर में लेदर देखने के लिए मिल जाता है। और ग्लोव बॉक्स देखें तो ऐसा स्पेस आपको ग्लोव बॉक्स में देखने के लिए मिलने वाला है। अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है, कूल्ड का ऑप्शन भी मिलता है, और यहाँ पर एक ट्रे भी मिल जाती है या अलग से कंपार्टमेंट बोल सकते हैं यहाँ पर पेपर वगैरह रखने के लिए। और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो देखो टिकट होल्डर कुछ ऐसा मिलने वाला है। अंदर जो है ना रूफ जो है वो पूरी आपको यहाँ पर फैब्रिक जो है वो ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलने वाला है, डार्क ब्लैक कलर में। उसके बाद IRVM की बात करें तो डे नाइट वाला आपको IRVM मिलता है, और पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट मिलती है, यहाँ पर माइक के ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने के लिए इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिख जाता है। अगर ऑन ऑफ करना है तो वो आपको वहां से करना होगा, पैसेंजर साइड में डोर है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट कैबिन। अब चलेंगे रियर कैबिन में, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो चलते हैं रियर केबिन की तरफ और करते हैं डोर को ओपन। तो यहां पर देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो डोर हैंडल है ना, ये तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है, टाटा की फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यह आवाज सुन सकते हैं, ये थोड़ा सा तो आपको देखने के लिए मिल जाता है लैग। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रोम में डोर हैंडल मिलेगा, पावर विंडो का ऑप्शन तो मिल ही गया। उसके बाद देखिए बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और पीछे की तरफ देखें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो 6 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। पीछे से देखें तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, वहां पर आपको ई शिफ्टर वगैरह देखने के लिए मिलता है। ई शिफ्टर दोस्तों काफी लुकिंग में अच्छा लगता है यहाँ पे, और एयरबैग हमने बताई दिए। ग्रैब हैंडल और देख लीजिए तो कुछ इस तरीके से आपको सॉफ्ट टच के साथ में ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे हुक और मिल जाते हैं देखने के लिए, यहाँ पर भी आप देखिए कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं बूट में, बूट में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, तो करते हैं बूट को ओपन। तो बूट ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, तो उस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बूट ओपन हो गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे तो मिल जाती है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो 3 किलो पेलोड के 4 हुक आपको देखने के लिए मिलते हैं, 2 इधर मिल जाते हैं, 2 इस तरफ मिल जाते हैं, साथ में बूट लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड, मतलब आप गाड़ी से एक कोई और ईवी कार भी चार्ज कर सकते हैं, और कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलाना है तो उसे भी आप चला सकते हैं, तो ये बटन आपको उसके लिए मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बूट की बात करें तो स्पेस आपको 382 लीटर के आसपास मिलने वाला है, और पीछे वाले टायर साइज की बात करें स्पेयर व्हील की तो 215/60/R16 सेम प्रोफाइल का मिलने वाला है, लेकिन स्टील रिम मिलेगा। और चार्जर की बात करें तो यहाँ पर आपको ये आपको एसी चार्जर मिल जाता है टाइप 2 का 3.3 किलोवाट का घर पर चार्ज करने के लिए, और चार्जिंग टाइम की बात करें तो 10 घंटे 50 मिनट में आपको ऑलमोस्ट जो है घर पर चार्ज हो जाती है गाड़ी नॉर्मल चार्जिंग के थ्रू, ठीक है। तो कुछ ऐसा सेटअप आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब कर देता हूँ मैं, और टेलगेट देख लीजिए, यहाँ टेलगेट को अच्छे से कवर किया गया है। अब करता हूँ गाड़ी को लॉक। तो ये थी दोस्तों कुछ इस तरीके से टाटा नेक्सॉन ईवी, और वेरिएंट था दोस्तों फियरलेस प्लस वेरिएंट। आपको गाड़ी की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।